सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ऐप के थ्रू इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ तो एजुकेंसी दोस्तों हमारे टायर ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर वॉइस नोट आ चुका है कि यहाँ पर जो क्रूज मोड ऑन हो चुका है, यहीं से आप इसको बंद कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जैसे टैप करूंगा हमारे टायर ने जो रोटेशन है वो बंद कर दिया है। साथ ही देखिए मैं आपको अगेन दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से ये फीचर होने वाला है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों लाइट फीचर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लाइट को ऑन कर सकते हैं, यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप अभी देख पाएंगे दोस्तों, अभी देखिएगा ये, देखिए ये इसने हिट किया, तो ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटेड करने वाली है दोस्तों, मुझे काफ़ी पर्सनली डिसअपॉइंट करती है। तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपको देखना था F3i का रिव्यू कैसा है, तो यहाँ पर मुझे 3 मंथ्स के अप्रोक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कम्प्लीटली दोस्तों इसका रिव्यू बताता हूँ कि कैसा क्या रिव्यू रहा है, बिल्कुल फेयर रिव्यू होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसके प्रोस की। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ दोस्तों, फ्रेम जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, जो कि एक एल्युमिनियम फ्रेम है और लाइट वेट है। साथ ही मैं बता दूँ जो इसकी दोस्तों आपको मिलने वाली है वारंटी, वो लाइफ टाइम वारंटी मिलने वाली है, यानी आपको फ्रेम को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका फ्रेम डैमेज हो जाएगा तो आपको उसको रिपेयर करवाना होगा। तो यहाँ पर कंपनी जो आपको है दोस्तों कंप्लीट आपको यहाँ पर वारंटी देती है, वो कंप्लीट आपको फ्रेम बदल के देगी। सेकंड हम यहाँ पर बात करें दोस्तों जो इसका वेट है, 22.4 kg का वेट होने वाला है ओनली। यहाँ पर बात करें दोस्तों इसके स्पीड गियर की, तो यहाँ पर आपको जो गियर मिलने वाले हैं 7 speed gears मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको पीछे की तरफ ही मिलेंगे, आगे की तरफ नहीं मिलने वाले हैं। बात करूँ यहाँ पर इसकी कीज़ की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाली है 2 RFID कीज़, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एक लॉस हो जाए तो दोस्तों आपको दूसरी वाली यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो साइकिल है एक्टिव इसी से ही होती है। उसी के साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर खास बात करना चाहूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक के ऊपर मिलने वाली है रबर टिप्स, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, स्वेटिंग वगैरह दोस्तों इससे नहीं होती है, तो ये भी मुझे एक चीज़ इसकी काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोस्तों इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस वो काफ़ी बेहतरीन है, यानी कि आप अगर ऑफ रोडिंग करते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बात करें दोस्तों इसकी पावर की, तो यहाँ पर 250 वोट की इसकी यहाँ पर आपको पावर मिलने वाली है, 36 वोट की यहाँ पर हब मोटर होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोटर का जो लुक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके गियर शिफ्टर्स के साथ यहाँ पर ये माउंट होने वाला है। यहाँ पर बात करें डिस्क की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों तरफ आपको यहाँ पर ड्यूल डिस्क मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दोस्तों पीछे वाला डिस्क होने वाला है। तो यहाँ पर जो इसकी ब्रेकिंग है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन है, उसके अंदर मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर जो आपको गियर्स है शिमानो के गियर्स मिलने वाले हैं, जो कि शिमानो दोस्तों काफ़ी अच्छा ब्रांड्स होने वाला है। साथ ही अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ इसके डिजिटल मीटर को, तो दोस्तों कुछ इस तरीके का डिजिटल मीटर होने वाला है, कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, इसके ऊपर रबर कोटिंग भी मिलती है, जिससे क्या है दोस्तों यहाँ पर रेन वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका सेफ रहने वाला है। अगर मैं इसको दोस्तों रिमूव करके दिखाऊँ कि यहाँ पर कैसा आपको ये दिखने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका ये मीटर होने वाला है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके भी मैं प्रोज एंड कॉन्स आपके लिए कवर करने वाला हूँ। साथ ही मैं दिखाना चाहूँ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो इसका फीचर दोस्तों आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से साइकिल को ऑन करना है, जो कि बेसिक है ऑन करना। यहाँ पर एक अब मैं यहाँ पर कॉन्स की बात करूँ तो दोस्तों जनरली आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ जो RFID टैग है वो यहाँ पर है, बट कई लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको ट्राई करते हैं, जो कि दोस्तों बेसिक सी बात है क्योंकि लोगो यहाँ पर है, बट इसका जो RFID दोस्तों इंडिकेशन है वो यहाँ ना होकर साइड के अंदर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अटैच करते हैं यहां पर ऑन हो चुका है, तो आपको यहां पर इसको अटैच करवाना है ना कि यहां पर। तो चलिए अब यहां पर हमारी जो साइकिल है वो दोस्तों ऑन हो चुकी है। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं इस साइकिल के साथ इसको कनेक्ट करके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दोस्तों यहां पर ये ऐप का फीचर मिलता है, जो कि हीरो इलेक्ट्रो के नाम से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही मैं यहाँ पर ऐप के फीचर्स आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का दोस्तों आपको ऐप के फीचर्स मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंट जो कि 98% यहाँ पे होने वाला है। एंड मैं यहाँ पर दोस्तों इससे आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लाइट ऑन हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्रूज कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेस से दोस्तों हाथ हटा लिया है, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने फ्रेम को पकड़ा हुआ है, तो अब यहाँ से जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये देखिए दोस्तों क्रूज मोड ऑन हो चुका है। यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों अगर आप कहीं लंबी राइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं इसी से यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपने ऐप के फीचर्स देख लिए। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर जो नेगेटिव हुई ये है दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी स्पीड लिमिट दिखती है ऐप के अंदर वो एक्यूरेट नहीं है, वो फ्रेंकली मैं आपको बता दूँ। तो आप यहाँ पर कर क्या सकते हैं, टैकोमीटर इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पर जो स्पीड मीटर है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, यहाँ पर ये स्पीड मीटर होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने राइड किया है 265 किलोमीटर, अभी मैंने इसको चला लिया है। यहाँ पर आप इसकी स्पीड वगैरह को देख सकते हैं, काफ़ी दोस्तों अच्छा यहाँ पर ये गैजेट होने वाला है।
आप इन सभी को दोस्तों बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही बात करें यहाँ पर पैडल असिस्ट की, तो वो काफी अच्छा फीचर है दोस्तों, मुझे काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप बैटरी सपोर्ट के साथ और पैडल असिस्ट के साथ चल सकते हैं। बात करें यहाँ पर इसकी पावर की, तो एक चीज मैं फेयरली बता दूं दोस्तों, बहुत ज्यादा पावर नहीं है, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख के चलिएगा। हाँ ये है, अगर दोस्तों आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो ये अगर आपने दोस्तों अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रखा है तब तो ये इजीली चढ़ जाएगी। बट अगर आप दोस्तों यहाँ पर आप चढ़ाई के अंदर जाके साइकिल को रोकते हैं, देन अगर उसको कोशिश करते हैं बैटरी के साथ आगे करने की, तो वो नहीं होगा, आपको पैडल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। एंड सॉरी दोस्तों पीछे बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है उसके लिए। साथ यहाँ पर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्लैम्प जो कि बॉडी को और ज़्यादा स्टडी बनाता है। आगे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आगे की तरफ यहाँ पर भी आपको दोस्तों एक क्लैंप मिलता है जो कि बॉडी को और अच्छा यहाँ पर स्टडी बनाने वाला है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसकी एसेसरीज जो हमने ऊपर इंस्टॉल की हुई है, फिर हम इसके दोस्तों प्रोज की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर सीट की, तो हमने यहाँ पर कुशनिंग सीट, जेल सीट लगा रखी है, ये काफ़ी अच्छी है। साथ ही हमने पीछे की तरफ और आगे की तरफ दोस्तों लगा रखे हैं मड गार्ड, जो कि इसके साथ आपको यहाँ पर मड गार्ड नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। साथ में जो सबसे अच्छा लगा यहाँ पर दोस्तों वो लगा यहाँ पर सोलर एनर्जी लाइट। तो दोस्तों मैंने इसको अभी तक एक बार भी चार्ज नहीं किया है, बी फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ ये धूप से ही चार्ज हो जाती है। यहाँ से आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं, तीन मोड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, फोर्थ में यहाँ पर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मोड ये है, सेकेंड मोड ये है, थर्ड मोड ये है, देन आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने दोस्तों आगे की तरफ भी यहाँ पर माउंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और लाइट हमने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है दोस्तों नाइट टाइम के अंदर जब आप राइड करते हैं, तो ये दोस्तों पीछे की रिफ्लेक्ट करती है, तो एक तरीके से दोस्तों काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है, तो आपके लिए दोस्तों काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि दोस्तों इस चीज़ को आप अपनी साइकिल के अंदर जरूर इंस्टॉल करवाएगा। एंड साथ ही हमने इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों यहाँ पर मोबाइल होल्डर जो कि चार्जिंग के साथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड के अंदर यहाँ पर चार्जिंग पिन है। बेसिक सा दोस्तों ये चार्जर है, वो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका भी मैं लिंक दोस्तों नीचे आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। एंड साथ ही हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों हॉर्न जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसकी वॉइस है, तो ये भी काफ़ी अच्छा दोस्तों गैजेट्स होने वाला है। साथ ही मैं नीचे की तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है दोस्तों बोतल माउंटर, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर दोस्तों ये बाय किया हुआ है लॉक जो कि दोस्तों हेल्पफुल रहता है अबैंडन्ड प्लेस पे, तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। आपको मैं यहाँ पर क्लोजअप दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप क्लोजअप के अंदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टडी होने वाला है। साथ ही मैं नीचे की तरफ दिखाना चाहूँ तो दोस्तों हमने यहाँ पर लगा रखा है कुछ इस तरीके का लॉक, क्योंकि दोस्तों पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है, आप खोलिए देन अगेन इसको प्लेस करिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ इसको लॉक करके, तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से लॉक हो जाता है बड़ी आसानी से, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ये अनलॉक हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने इसके अंदर लगा रखी है। सो दोस्तों हमने यहाँ पर बात करी इसके प्रोस की, एंड साथ ही बात करी इसके ऊपर एसेसरीज हमने क्या क्या माउंट की हुई है। एक चीज़ और मैं आगे की तरफ से आपको दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों जो वायर है हमारे स्पीडोमीटर का, वो बिल्कुल हमने इसी के साथ मर्ज किया हुआ है, एडिशनल कोई भी वायर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर वेलक्रो के साथ इस वायर को फिट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मर्ज करता हुआ यहाँ पर दोस्तों ये फिट हुआ है, बिल्कुल भी दोस्तों अगली नहीं लग रहा है, पता भी नहीं चलता है कि हमने यहाँ पर अलग से कोई ये चीज़ माउंट की है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से माउंट हो रखी है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर इसके कॉन्स की, तो यहाँ पर दोस्तों तीन चार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है इसके अंदर। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें दोस्तों माइलेज की, तो कंपनी क्लेम करती है 35 एंड पैडल असिस्ट के साथ 28-29 के अप्रोक्स, तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल फेयर नहीं है, अप्रोक्स आपको 25 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज देती है। एंड साथ ही बात करें इसके अदर नेगेटिव पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको डिटैचेबल बैटरी नहीं मिलती है। अगर आपका दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन आपके पार्किंग में नहीं है तो आप रिमूव करके नहीं लेके जा सकते, वो एक इशू आप बोल सकते हैं, मेरे लिए इशू नहीं है, बट जस्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो RFID टैग का था वो मैंने आपको बताया कि जो पोजीशनिंग है वो सेम नहीं है, बट नॉट अ बिग इशू, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर आप इसको लगा रहे हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर आप इसको एक बार ही टच करेंगे प्रॉपर जगह पे तो ईजिली सिंगल टाइम के अंदर ही दोस्तों ये वर्क करती है। बस यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है वो डिफरेंट है, क्योंकि कई लोगों का इशू मैंने देखा है, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होता है, तो वो एक चीज़ अलग होने वाली है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ चार्जिंग टाइम, तो दोस्तों वो 4 to 5 hours है जो कि ज़्यादा लगता है मुझे, तो इसको थोड़ा कम होना चाहिए था। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ दोस्तों RFID जो की है दोस्तों बोलते हैं एक सेफ्टी फीचर, बट इतना कोई सेफ्टी फीचर है नहीं। यहाँ पर ये जो साइकिल है दोस्तों, अगर आप बात करें कि अगर किसी को लेके जाना होगा तो वो ईजिली लेके जा सकता है, सिर्फ इसका जो दोस्तों बैटरी मैकेनिज्म है वही चालू नहीं होगा, अदरवाइज़ साइकिल जो है पूरी एक नॉर्मल साइकिल की तरह रहेगी, तो इजीली कोई भी लेके जा सकता है। तो होना ये चाहिए था कि की होनी चाहिए थी दोस्तों, जिससे कि पूरी बाइक लॉक हो जाती, यानी कि जो व्हील्स है वो भी लॉक होते, उससे बेनिफिशियरी यही रहता दोस्तों अगर आपकी साइकिल खड़ी है तो उस कंडीशन के अंदर वो कम्प्लीटली लॉक होती। तो यहाँ पर RFID अगर आप इसको बोले कि एक तरीके का कोई सेफ्टी फीचर है, तो सेफ्टी फीचर नहीं है, सिर्फ आपकी जो साइकिल है उसकी इग्निशन कोई ऑफ रखता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, जिसको लेके जाना है दोस्तों वो पैडलिंग करता हुआ भी लेके जा सकता है।
बात करूँ यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ दोस्तों, मैंने इसको मैक्सिमम 40 पे दोस्तों इसको रन किया हुआ है विद बैटरी और विद दोस्तों साइकिलिंग करते हुए, तो 40 तक दोस्तों मैंने इसको पुश आउट किया हुआ है, डिपेंड ऑन आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊँ दोस्तों, अब जो बिग दो मुझे इशू है इसके साथ, तो वो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ लेफ्ट साइड। सो यहाँ पर जो दो बिग इशू मैं आपको बता रहा था, उसमें फर्स्ट है यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट का रस्ट का, तो ये आ जाता है दोस्तों, तो आपको इसको पेट्रोल वगैरह से क्लीन कर लेना है अच्छे से। मॉइस्चर एरिया है दोस्तों, मैं ऋषिकेश के अंदर रहता हूँ तो थोड़ा मॉइस्चर है, बट इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, तो यहाँ पर एक इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। उसके बाद सेकंड जो मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है स्टैंड का पोजीशन जो कि बिल्कुल दोस्तों रॉन्ग जगह पे माउंट किया हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ ठीक है कि दोस्तों कि सेंटर जो वेट है उसकी वजह से इसको यहाँ पर माउंट किया हुआ है, वो चीज़ फेयर है मैं मानता हूँ। यहाँ पर मैंने पीछे भी लगा के देखने कोशिश की, बट दोस्तों पीछे की तरफ यहाँ पर वेट शिफ्ट नहीं होता है, इस वजह से साइकिल बैलेंस नहीं रहती है, तो यहाँ पर सेंटर के अंदर ठीक है। बट दोस्तों कंपनी को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जिसकी वजह से यहाँ पर अगर वो सेंटर के अंदर भी माउंट करते हैं तो ये पैडल को हिट ना करे। तो कई बार होता है जब आप ऑलवेज ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आगे की तरफ रखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने इसको खड़ा किया देन आप इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ लेके जाना चाहेंगे, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर साइकिल अब देखिए पीछे की तरफ नहीं जा पा रही क्योंकि यहाँ पर पैडल हिट कर रहा है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप अभी देख पाएंगे दोस्तों, अभी देखिएगा, ये देखिए ये इसने हिट किया, तो ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटेड करने वाली है दोस्तों, मुझे काफ़ी पर्सनली डिसअपॉइंट करती है। तो उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आपको पैर फंसा के इसको अपलिफ्ट करना होगा साइकिल को, देन उसके बाद आपको यहाँ पर स्टैंड को पीछे की तरफ करना होगा, जो काफ़ी दोस्तों वियर्ड सा लगता है। तो ये चीज़ अगर कंपनी पे वर्क ऑन किया होता तो काफ़ी बेस्ट है। बाकी जो स्टैंड की जो दोस्तों स्टडीनेस है वो काफ़ी अच्छी है, बशर्ते उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट इन फ्यूचर शायद इस चीज़ को कवरअप कर लेंगे, कुछ अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। सो ये था दोस्तों इसका एक फेयर रिव्यू और कंप्लीट इसकी डिटेल्स दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशंस के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, या आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आप इसके स्पेसिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। प्राइस वगैरह जैसा कि मैंने बताया 41,000 होने वाला है। एसेसरीज सब आपको ऊपर से बाई करना पड़ेगा, आपको सिर्फ साइकिल मिलने वाली है इस प्राइस के अंदर। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और कोई दोस्तों इसके ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।